लिए नहीं तो अमुक पर्चा छपवा पड़ी। दोस्तों, आज के समाज में अच्छी और सच्ची बातें इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी तेजी से झूठ और अफवाहें फैल जाती हैं। लोग जाने कैसे कैसे पर्चे अब व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेज देते हैं कि फला मंदिर फला मस्जिद में एक सांप निकला जो लड़की बन गई, वगैरह वगैरह। फिर अंत में डरा भी देते हैं कि इसे पढ़ने के बाद 50 लोगों को नहीं भेजा तो आपके घर में कोई मर जाएगा, तबाह हो जाओगे। दोस्तों, उन्हीं दिनों की बात है जब कई सालों के अनुभव और जांच के बाद मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि परमात्मा के प्रति हमारे एक भावपूर्ण समर्पण से ही हमारे जीवन में असंभव दिखाई देने वाली मन की स्थायी शांति ही नहीं बल्कि भगवत कृपा से विशुद्ध प्रेम आनंद मोक्ष मार्ग भी अति सहज हो जाता है, चाहे कोई किसी भी धर्म मजहब का हो, क्योंकि सबका मालिक एक है। मुख से बोलकर किसी को समझा पाने में असमर्थ था, परंतु भगवान की कृपा से लिखने में एक्सपर्ट था। दो पन्ने में अपने अनुभव के सारांश और समर्पण की प्रेरणा लिखकर लोगों में बांटने लगा, परंतु गांव गया तो जब एक बहन को शर्माते सबचाते हुए पर्चा देने की कोशिश करने लगा तो वह ऐसे भागी जैसे उसने पर्चा नहीं कोई भूत देख लिया हो और कहने लगी, नहीं नहीं हम ना लेब नहीं तमुक पर्चा छपवा पड़ी। बहुत समझाने पर भी पर्चा लेना तो दूर, वह बहन पास भी नहीं आई। मैं भी शर्मसार होते हुए श्री भगवान से शिकायत करने लगा, वह पिता श्री आपने मुझे काम भी बड़ा अजीब दे दिया है। दोस्तों, यदि आपने भी अभी तक ब्रह्मवश अथवा अफवाह समझकर समर्पण का संकल्प नहीं किया है तो एक बार निष्पक्ष भाव से एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर कीजिएगा। हे भगवान, हे जगदीश्वर, आप जो भी हैं जैसे भी हैं, अभी जीवन नहीं है कि पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। बच्चों से कराना न भूलिएगा, बच्चों के जीवन को भगवान के द्वारा आरक्षित सुरक्षित और भटकाव रहित बनाने के लिए। दोस्तों, मैं कोई धर्म प्रचारक नहीं बल्कि आपका सेवक होने के नाते यह भाव बांट रहा हूँ। प्रभु जी आप सभी को निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहृदय प्रणाम। जय श्री हरि।